मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की। यूपी के संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र के कटार मिश पुल में एक प्रेमी जोड़े ने फिल्मी स्टाइल में नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आपको बता दें कि ग्रामीण ने कड़ी मशक्कत के साथ प्रेमी जोड़े को नदी से बाहर निकाला। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी जोड़े को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। थाना धनघटा क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि कुआनो नदी में कटार मिश्र पुल के पास एक युवक और एक युवती नदी में कूद गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सकुशल बचा लिया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। यूपी के पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र के जिठानिया गांव में साधु ऋषि गिरी की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा दिया है। वहीं इस मामले में सीओ ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि तीन आरोपी साधु के काम से खुश नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने साधु की हत्या की साजिश रची और मौका मिलते ही लाठी डंडों से पीट पीट कर उन्होंने साधु ऋषि गिरी की हत्या कर दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। यूपी के पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने संयुक्त रूप से आज ईद को देखते हुए पुलिस बल को जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर तैनात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही पीलीभीत जनपद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। आपको बता दें कि नमाज के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं और छोटे छोटे बच्चों को बकरीद त्यौहार की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ मनाने का आवाहन किया गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना के हिस्ट्री चीटर शाहिद को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मस्जिद के बाहर नमाज के दौरान नोट उड़ाते हुए हिस्ट्री चीटर शाहिद का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद दादरी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोट उड़ाकर लोगों को लुभाने वाले हिस्ट्री चीटर शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, शाहिद पर हत्या, जान से मारने की कोशिश और भी कई धाराओं में दादरी थाने में मुकदमे दर्ज हैं। इन सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमर भारती।